गेंदबाजों की बात कर रहे हैं तो आर्चर साहब के उस स्पेल के बारे में बात तो करना ही पड़ेगा, जो वार्नर का विकेट लिया वीरू भाई। एक टाइम पे बंदा आपने आपको पूछ रहा है, सर ये 2020 चल रहा है या टेस्ट क्रिकेट चल रहा है, दो स्लिप, मजा आ गया होगा आपको देखकर। नहीं बिल्कुल, बट मैं थोड़ा सा अपसेट था डेविड वार्नर से, क्योंकि उन्हें भी मालूम था एक ही गेंदबाज है, और उन्हें भी मालूम था कि वो जैसे गेंदबाजी करते अगर एक ओवर मेडन भी खेल लेते कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्लास आर्चर की अलग ही है, ये उन्होंने दिखाया है कि जिस गेंद पर उन्होंने डेविड वार्नर को आउट किया वो बिल्कुल बॉडी में गिरी, मतलब उसको चाहकर भी कोई छोड़ नहीं सकता था, खेलना ही पड़ता, और खेलते ही वो क्लास कैच पकड़ा वहां पर बेन स्टोक्स ने। लेकिन कप्तान की भी तारीफ कर रहे होंगे कि दो स्लिप रखने के पेशेंस चाहिए, क्योंकि हमने देखे कि बहुत कम कप्तानों में होते हैं T20 फॉर्मेट में कि आप दो स्लिप से शुरुआत करें और रखें दो ओवर तक। तो उन्होंने ऐसा किया स्टीव स्मिथ ने, तो क्रेडिट उन्हें भी जाता है। बट नो डाउट आर्चर के लिए शायद हमारे पास लफ्ज ही नहीं है कि उनके बारे में क्या बोले। मैं तो उन्हें कंचेबाज बोलता हूँ कि ठिकाने पर गेंद डालते हैं और डंडिया तोड़ते हैं। सर निशाने पे तो दो बारी लगे अजय सर, आपको बेहतरीन दो विकेट कौन नहीं, सी ज्यादा लगी? चार पांच हो गए सर, इंग्लैंड की सीरीज से चालू है ये आर्चर और इसका मैच। ये डेविड अरे वार्नर के जो ये फॉर्म, जो आप स्ट्राइक रेट भी सुबह पूछ रहे थे, वो उसकी कमजोरी है। हाँ, यहाँ आने से पहले ना ये आर्चर इनको इंग्लैंड में भी टकरे थे उस बबल में, तो उस जी बबल से लेके इस बबल तक अभी तक हिलने नहीं दिया डेविड वार्नर को। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे। नहीं सर, 7 इनिंग्स 6 डिसमिसल्स, कान में आवाज आ गई, हमने फर्रा आपके सामने रख दिया है। बट मैं क्या पूछ रहा था कि दो विकेट उन्होंने आज लिए हैं, आपको ज्यादा बेहतरीन कौन सी लगी, वॉर्नर या बेस्ट हो, क्योंकि दोनों जबरदस्त बल्लेबाजों को वापस भेजा है। आई थिंक दोनों ही बढ़िया थी, लेकिन बेस्ट्रो वाले में तो आपको मजा आया होगा ना, क्योंकि उसमें तो क्या है कि वो तेवतिया भी अगर कूदते टाइम पे तो एक पहले भी हो सकता था। उन्होंने कहा यार फील्डरों की जरूरत ही नहीं, हटाओ इनको सबको, मैं खुद ही काम कर देता हूँ। और स्पेशली एक विकेट लेने के बाद, क्योंकि जॉनी बेस्ट्रो का भी माइंडसेट आप देखो ना, वो अब सॉलिड खिलाड़ी हैं, उनका काम एक ही रह गया था कि यार इसे ओवर सी ऑफ करना है। तो उस लिहाज से वो और इम्पोर्टेंट है कि यू नो आधा तो हो चुका था लेकिन पूरा वहां पे ना कंप्लीट कर दिया। थोड़ी देर और करते तो शायद दो तीन और भी साथ ले जाते, इन दो को ले गए थे तो। तो वो तो को स्मिथ साहब कह रहे होंगे मैंने क्यों इनसे गेंदबाजी करवाई क्यों नहीं। वीरू भाई इनका एक आंकड़ा आया है और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ही इज क्लियरली फ्रंट रनर आपके हिसाब से मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर के, क्योंकि 174 डिलीवरीज अभी तक इस टूर्नामेंट में उन्होंने 140 के ऊपर गाली। तो वैल्यूएबल प्लेयर स्पीड से नहीं होगा मैं या विकेटों से होगा, पर... आंकड़ा जो है। वीर भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि तेज गेंदबाज तो है ही, ऑफकोर्स डर डरा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ लाइन एंड लेंथ का तो ऑफकोर्स है ही उनका काम। देखिए, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बनता है या तो आप अच्छे रन बनाएं या विकेटे ले, तो इन्होंने विकेटे बहुत बड़े लिए, 140 से ऊपर तो त्यागी भी डाल रहे। तो ऐसा नहीं है कि तेज डालने से ही, लेकिन सटीक लाइन और लेंथ बहुत जरूरी है कि जिसमें आप बल्लेबाजों को मजबूर करें गलती करने पे, और वो आर्चर करे जा रहे हैं। अगर बल्लेबाज थोड़ा भी गैप बनाते तो पैड और बैट के बीच से बोल्ड हो जाते हैं, थोड़ी अगर टाइम पे नहीं आए बॉल के ऊपर तो एज लग के आउट हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जरूर होंगे बिल्कुल। और जैसी गेंदबाजी की है, मैं तो बड़ा खुश हूँ कि मैं उनको नहीं खेल रहा हूँ, मैं आज रिटायर्ड हूँ, हैप्पीली यहाँ बैठ कर ज्ञान बांट रहा हूँ।